हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है, तो इसलिए और जल्दी उठना भी था। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं ना अपने ठाकुर जी को नहलाते नहलाते आप लोगों कमेंट का जवाब दूंगी। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जो ये ठाकुर जी का नहलाया हुआ पानी, सारे भगवान जी का नहलाया पानी, आप क्या करते हो? तो मैं इनको क्या करती हूँ, जो हमारे पेड़ पौधे घर में लगा रखे हैं उनमें डाल देती हूँ। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे क्या दोष लगता है। और आज क्या हुआ, मेरे लड्डू गोपाल के जो स्वेटर हैं वो गंदे हो गए, तो इनको मैं आज धुलूंगी, इसलिए निकाल दिया है। और इनको सिंपल कपड़े अभी मैं पहना रही हूँ, और डेली मैं इनके नहीं बदल पाती हूँ, एक ही जोड़ रहते हैं। हाँ, जब गंदे हो जाते हैं तब इनको धुल देती हूँ, दूसरे पहना देती हूँ। पर क्या, गृहस्थ आश्रम है, जितना हो रहा है उतना ही बहुत है। तो हाँ, और किसी ने पूछा था कि आप ये जो जल का लोटा, जैसे मैं अपने यहाँ पर मंदिर में भर के रखती हूँ, इस तरीके से 2 लोटे मेरे भर के रखे रहते हैं, तो उसका आप क्या करते हो अगले दिन? तो अगले दिन पेड़ पौधों में डाल देती हूँ वो जल को, और इधर उधर नहीं डालना चाहिए। जैसा आपको आता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप जैसा आता है वैसे करना चाहिए। पर कुछ चीज़ें अगर आपको पता है और आप फिर भी गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर दोष लगता है। हाँ, जब तक आपको कोई चीज़ नहीं पता रहती, आप गलती करते हैं, तब तक भगवान आपको माफ़ कर देते हैं। हाँ, अगर आपको पता होता है तो भी आप कर रहे हैं तो फिर हमको दोष लगता है, पाप लगता है। तो यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, इनको भी स्नान करा देती हूँ। और आज मैं पानी गर्म नहीं कर पाई, वरना हल्का सा मैं गुनगुना कर लेती हूँ। जैसे हम लोगों को ठंड लगती है ना, उसी तरीके से भगवान को भी ठंड लगती है। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो फ्रेंड्स, ये भजन मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि मैम आप तुलसा जी की कौन सी आरती कर रहे थे, क्या गा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, तुलसी जी की आरती है। अगर आपको नहीं मिलती है आरती संग्रह में, तो भागवत जो गीता आती है ना, उसमें पीछे दिया गया है तुलसी मैया की आरती, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो तुलसा जी की आरती मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ इस वक्त। तुलसा जी की आरती है, तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन जप कियो, मैया शाले ग्रामे महा पटरानी। ये है आरती तुलसी मैया की। बोतल भर ली। हाँ, और नाश्ता कर लो जल्दी से। आज अनिक को बनाया मैंने चीज़ सिंपल, इसको ऐसी पसंद है, ज़्यादा सब्जी उब्जी। हाँ, तो मेरा मन मैंने नहीं डाला उसके में, तुमको खाना तो डाल दिया। चलो अब जल्दी नहाओ, ट्यूशन का टाइम हो रहा। चलो आओ। ये ना लड़की बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अनिक चला गया स्कूल, नायशा भी ट्यूशन चली गई, तो अब हम बचे हैं 4 लोग, मम्मी जी, पापा जी और मैं और मेरे पति देव जी। तो इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के बड़े, जो कि मैंने रात में ही दाल भिगो दी थी, और बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं होता, कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़नी होती। सिंपल, रात में दाल को भिगो दो, सुबह अच्छे से धो के वॉश कर लो, छिलके वाली दाल है ये। और फिर सुबह ना इसको अगर मिक्सर में पीसेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आता, तो इसको ना सिलवटने पे पीसा है मम्मी जी ने। फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन मिला लिया, और जो हरी मिर्च है उसको कट करके डालना है, कभी भी पीस के ना डालें। एक बार मैंने ये गलती करी थी, तो जिससे मेरे मूंग की दाल के जो भजिए हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। तो इस तरीके से हम तेल में अच्छे ज़्यादा
फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। और एक मैं बना रही हूँ, ये मेरी मम्मी सासू माँ बनाती हैं इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि गौरी थोड़े इस तरीके से बनाना, अच्छे लगते हैं, तो मैं चलो ट्राई कर रही हूँ। अगर मैंने ये दाल मिक्सर में पीसी होती ना, तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बनते। तो जब हाथ से पीसते हैं ना, तो थोड़ी सी दरदरी टाइप की रहती है, तो ये इस तरीके से बन जाते हैं, वरना मिक्सर में तो बहुत महीन हो जाती है और फिर दाल ना पानी छोड़ देती है नमक मिलाते से ही। तो आइए आप लोग भी खाइए आकर, और कैसे बने हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मुझे बनवाना है टैटू, तो उसके लिए भी मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, ये बनाने के बाद मैं तुरंत खाना बनाऊँगी। चलो आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, और मेरी बन सारे रही है काम चाय। खत्म करके मैं ऊपर आ गई हूँ और रेडी हूँ टैटू बनवाने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर से, क्योंकि ये पहली बार बनवा रही हूँ मैं। और जो कुछ भी लाइफ में पहली बार होता है ना, बड़ा मतलब थोड़ा सा अंदर से डर भी है कि दर्द बहुत होगा यार, पर देखते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड रात मना कर रहे थे कि मत बनवाओ, बहुत दर्द होगा, क्योंकि उन्होंने भी टैटू बनवाया हुआ है। तो बता उनकी जो स्टोरी है टैटू की, वो कभी शेयर करूंगी मैं। उन्होंने काफ़ी बड़ा अपने हाथ पे मेरे नाम का बनवाया हुआ है, तो वो मैं शेयर करूंगी फिर कभी। और अभी बस वो भैया आने वाले हैं, वो घर पे ही आके बनाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। पहले हम जा रहे थे, वो कहीं रुके हुए थे, पर वो आ रहे हैं अभी यहाँ पर, हमने घर पे ही बुला लिया उनको, तो बस आने वाले हैं, इंतज़ार कर रही हूँ। पतिदेव जी पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे, तो मैंने कहा अनिक को मैं अपने पास बिठा लूँगी, क्योंकि अकेले मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। और रात में पता है मुझे मना भी कर रहे थे कि मत लगवाओ, मत बनवाओ बच्चा, बहुत दर्द होगा। तो मैं उनसे पता है क्या बोली, मैंने कहा मेरे दो दो सीजर हो चुके हैं, मेरे दो दो ऑपरेशन हो चुके हैं, मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि सीजर आप लोग जानते हैं जब बेबी होता है तो कितना पेन होता है। तो मैंने कहा इसको भी मैं सहन कर लूँगी, अब देखते हैं कितना सहन कर पाती हूँ कि नहीं मैं। तो चलो आने वाले हैं, तब तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं भैया, टैटू वाले भैया, हम लोग टैटू वाले भैया ही बोल रहे, और यहाँ पे स्केच कर रहे हैं, फिर ये प्रिंट निकलवा के लेकर आएंगे, उसके बाद में ये मेरे शायद पीछे लगाएंगे, क्योंकि मैं बैक में बनवा रही हूँ, जो जहाँ पे हम बन बनाते हैं उससे जस्ट नीचे। तो ये बताएंगे भैया कहाँ पे और ठीक रहेगा, क्योंकि इनका तो यही काम है। और ये भैया मैं बताऊँ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, मैं आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा वास्तु के बारे में भी ये जानकार थे। तो चलो अब ये प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के ले आए और स्केच कर लिया है, तो अब ये कर रहे हैं। और ये इस वक्त पता है मेरे ये रेजर से कर रहे थे, मुझे इतना डर लग रहा था भैया मेरे बाल और ना आ जाए रेजर से आप कर रहे हो, मुझे पता होता ना तो मैं बैक्स करवा लेती। और यहाँ पे फिर इसके बाद में ये एंटीबायोटिक कुछ लगा रहे हैं, जिससे कोई भी रेसेस ना आए, और जैसे रहता है ना ये सुई वगैरह जो भी लगती हैं, तो इनसे कभी पक वगैरह ना जाए। तो ये पता है टैटू वगैरह जो लोग प्रोफेशनल होते हैं इनसे ही करवाना चाहिए, मैं आपको बताऊं, ये नहीं कहीं भी गए और करवा लिया। तो ये जो भैया है इनकी कोई शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बाहर रहते हैं, और जब इनको कहीं से ऑर्डर आता है तब ये जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, इनकी कोई शॉप नहीं है। और बहुत ज़्यादा होशियार थे, मैंने मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मैं 3-4 घंटे मुझे लगे इस टैटू को बनवाने में। तो इस वक्त मेरा टैटू बन रहा था और मैं मोबाइल में कुछ देख रही थी, और मैं बताऊं आपको ना इतना दर्द हो रहा था, पर कुछ नहीं, जब टैटू पूरा बन गया तो बिल्कुल इतना फील नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे चींटी काट रही है। और जब इसके बाद में कलर फील होता है ना, जब कलर भरा जाता है तब थोड़ा सा दर्द होता है। और फिर कोई नहीं, जब शौक रखते हैं तो दर्द सहन की शक्ति भी होना चाहिए। तो मैं बीच बीच में पता है डाउन भी होती जा रही थी, क्योंकि भैया खुद बता रहे थे कि इसमें बीपी लो हो जाता है, लोगों को चक्कर भी आ जाता है। तो कुछ नहीं, मैं मीठा खाती जा रही थी, ये भैया मुझे बार बार बोल रहे थे मीठा खाओ, क्योंकि मैं लो हो रही थी। और कई बार तो ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल बैठे बैठे जैसे अब मुझे नींद आ रही है। और चलो आप लोग भी देख लीजिए मेरा टैटू किस तरीके से बन रहा है। और अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे इस ब्लॉग में कि इसका मतलब क्या है, तो मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको इसका मतलब मीनिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स टैटू एक ऐसी चीज़ है जो हम परमानेंट रखते हैं और इसको फिर मिटाला नहीं जा सकता, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के मैंने इसको बनवाया है,
काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी तहकीकात करी कि ये वाला जो टैटू है अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे लिए, तभी मैंने इसको बनवाया है। और यहाँ मैंने ब्रेक लिया था चाय का, तो इस वक्त पी रहे हैं हम लोग चाय, क्योंकि कंटिन्यू हमको 1 घंटा हो गया था बैठे बैठे। और फिर आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा टैटू यहाँ पे बन चुका है, बस उसकी फिनिशिंग हो रही है अब। बहुत दर्द सहा, 3 घंटे लगे मुझे पूरे। तो आप लोगों को फाइनली मैं दिखा देती हूँ अपना टैटू, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये बैक पे बनवाया है मैंने अपने, तो कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा टैटू बन चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया। अब भैया हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या केयर करनी है 1 हफ्ते तक, तो बताइए भैया हमें। एक्चुअली डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरना चाहिए। हाँ और खट्टा नहीं खाना है, जैसे अच्छा। कि अचार से बनी हुई चीज़ या आम हाँ जिसे पके, एक एंटीबायोटिक ले लो, वो बेस्ट रहता है टैटू के बाद। एंड आफ्टर दैट डायरेक्ट आपको टैटू घिसना नहीं है। मतलब जैसे सब स्क्रब करते हैं पानी नहाने के टाइम पे, अगर अपन ने उसको स्क्रब किया फर्स्ट सेकेंड डे में, तो कलर निकले कलर बाहर आने का चांस है। अच्छा। सो यू हैव टू जस्ट हल्का से ऐसे हाथ से अपने किया। हाँ। और उसके बाद अपने आफ्टर योर बाथ टिश्यू से वाइप किया अच्छे सॉफ्टली, एंड जो मैं आपको एएनडी का क्रीम दे रहा हूँ वो आपको लगाना है। और ये पूछना था कि सीधे लेटू या करवट लेके लेटू अभी? नहीं, अभी अभी एक दो दिन साइड वेज। हाँ जी, ऐसे नहीं साइड वेज। हाँ हाँ, क्योंकि पहले से डायरेक्ट सनलाइट नहीं अभी गिरना चाहिए, 2-4 दिन तक। मतलब एक एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज आपको इसका प्योर बच्चे की तरह केयर करना है आपको आपके टैटू का। नहीं तो स्वेटर पहन सकती हूँ? हाँ, स्वेटर पहन सकते हो आप, बट आफ्टर अप्लाइंग द क्रीम, नहाने के पहले आपको क्रीम लगाना है और नहाने के बाद भी। ओके, तो मतलब दिन में 3 या 4 बार आपको उसका मसाज करना है। अच्छा, एएनडी ऑइंटमेंट का। ओके, धन्यवाद भैया, थैंक यू। थैंक यू। चलो भैया का पेमेंट करते हैं।